नमस्कार, मैं प्रिया। धराधर 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण का ग्राफ एक बार फिर से तेजी से बढ़ा है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 24 घंटे में देश में 2183 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 214 लोगों की जान गई है। नए आंकड़ों के मिलाकर के कोविड 19 मरीजों की कुल संख्या 4,30,44,280 पर पहुंच गई है। वहीं अब तक 5,21,965 मरीज जान गंवा चुके हैं। खास बात यह है कि एक दिन पहले ही देश में 1,150 नए मरीज मिले थे। इस लिहाज से एक दिन में मरीजों की संख्या में करीब 90% का उछाल देखा गया है। यूक्रेन के विदेश मंत्री दमित्रो कुलेबा ने मारियोपोल में स्थिति भयावह और हृदय विदारक बताते हुए कहा है कि वहां जारी रूस के हमले वार्ता के जरिए शांति हासिल करने के सभी प्रयास को समाप्त कर सकते हैं। कुलेबा में CBS ने फेस द नेशन कार्यक्रम में कहा है कि बंदरगाह शहर में बचे यूक्रेनी सैन्य कर्मियों और आम नागरिक को रूसी बलों ने घेर लिया है। उन्होंने कहा है कि यूक्रेनियों का संघर्ष जारी है, लेकिन भयंकर विनाश के कारण शहर एक तरह से कहे तो अब अस्तित्व में ही नहीं है। श्रीलंका में जारी आर्थिक और सियासी संकट के बीच राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे ने नया मंत्रिमंडल गठित कर दिया है। इसमें 17 नए मंत्री शामिल किए गए हैं। विपक्ष ने मंगलवार से शुरू हो रहे संसद सत्र में राजपक्षे के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का फैसला किया है। 2015 से 2019 के दौरान देश की गरीबी में साल 2011 से 15 के मुकाबले अधिक कमी आई है। इस बात की जानकारी हाल ही में प्रकाशित विश्व बैंक के पॉलिसी रिसर्च पेपर में दी गई है। रिसर्च पेपर के मुताबिक 2011 में अति गरीबी की दर 22.5% थी, तो 2015 में ये 19.1% हो गई है। वहीं 2019 में अति गरीबी की दर 10% रह गई है, यानी 2011 से 2015 के बीच में अति गरीबी की दर में 3.4% की कमी आई है। 2015 से 2019 के बीच अति गरीबी की दर में 9.1% की गिरावट हुई, जो 2011 से 15 के मुकाबले 2.6 गुना अधिक है। दिल्ली NCR में अपने करीबी सोशल नेटवर्क में किसी को कोविड होने की सूचना देने वाले लोगों की संख्या में पिछले 15 दिनों में 500% की वृद्धि हुई है। एक सर्वेक्षण में यह दावा किया गया है। दिल्ली और NCR के कम 19% लोगों ने सर्वेक्षण में बताया कि उनके करीबी नेटवर्क के एक या फिर एक से अधिक व्यक्ति पिछले 15 दिनों में संक्रमण की चपेट में आए हैं। नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS की नियुक्ति के लिए सरकार सेवानिवृत्ति और सेवारत दोनों अधिकारियों पर विचार कर सकती है। सूत्रों ने रविवार को यह जानकारी दी है। देश के पहले CDS जनरल बिपिन रावत की पिछले साल 8 दिसंबर को हवाई दुर्घटना में जान चले जाने के बाद ये पद रिक्त है। राष्ट्रीय महत्व के प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारक और पुरातत्व स्थलों पर अब दशहरा, होली, महिला दिवस, मकर संक्रांति समेत 21 खास मौकों पर टिकट नहीं लगेगी। केंद्र सरकार ने आम लोगों खासकर के युवाओं को भारतीय ऐतिहासिक धरोहर से जोड़ने के मकसद से ये फैसला लिया है। दुनिया में एक बार फिर से कोरोना के मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं, जिसके चलते वैज्ञानिक भी इस बार कोरोना की लहर को लेकर अलग अलग आशंका जता रहे हैं। इस बीच अमेरिका के खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने श्वास के माध्यम से कोविड 19 का पता लगाने के लिए ब्रीथलाइजर को इमरजेंसी इस्तेमाल की अनुमति दे दी है। इस डिवाइस के जरिए श्वास के माध्यम से कोविड 19 का पता लगाया जा सकता है। भागलपुर बिहार के आकाश सिंह कलर्स टीवी के टैलेंट रियलिटी शो हुनरबाज के विनर बन गए हैं। पोल पर लटकते हुए स्टंट्स करने वाले आकाश सिंह ने शुरुआत से जजों के साथ साथ जनता का भी दिल जीत लिया था। 3 महीने से चल रहे इस शो के आखिरी एपिसोड में यह तय हो गया था कि वो हाइनेस सुखदेव आकाश सिंह, हरमानी ऑफ द पाइन्स ऑर्केस्ट्रा, रॉकनामा, सूफी रॉक बैंड संचिता और सुब्रतम और अनिबर्न में से कोई एक हुनरबाज के पहले सीजन की पहली ट्रॉफी अपने नाम करेगा। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने अब एक नई मांग कर दी है, जिससे वो एक फिर से एक बार सुर्खियों में है। जीतन राम मांझी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ट्विटर पर टैग करते हुए एक ट्वीट लिखा है, जिसमें उन्होंने मांग की है कि अब देश में हर तरह के धार्मिक जुलूस पर रोक लगा दी जानी चाहिए। इसके पीछे उन्होंने देश की एकता और अखंडता का हवाला दिया है। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने जनता के हित में एक बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत आज 18 अप्रैल से आमजन को स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं और बेहतर उपचार के लिए प्रदेश में विकास खंड स्तरीय स्वास्थ्य मेलों का आयोजन शुरू होने जा रहा है। आज लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी रायसेन जिले के सांची में प्रातः 10 बजे स्वास्थ्य मेले का शुभारंभ करते देखे गए। आज 49 जिलों के 53 विकास खंडों में स्वास्थ्य मेला लगाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार शाम को अहमदाबाद पहुंचने वाले हैं। प्रधानमंत्री 18 से 20 अप्रैल तक गुजरात की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान 22,000 करोड़ की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और लोकार्पण वो करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी सोमवार शाम को अहमदाबाद एयरपोर्ट पहुंचेंगे। यहां से वो गांधीनगर शिक्षा समीक्षा केंद्र पहुंचेंगे। इस केंद्र में प्रतिवर्ष 500 करोड़ से ज्यादा डेटा एकत्र कर उसका उपयोग शिक्षा का क्षेत्र सुधारने में किया जाएगा। शिक्षा समीक्षा केंद्र के माध्यम से गुजरात के शिक्षकों की उपस्थिति और यहां के शिक्षा गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी।
केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शनिवार को बड़ी घोषणा की है। मध्य प्रदेश के विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खजुराहो पहुंचकर उन्होंने यहां रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। इस दौरान रेल मंत्री अश्विनी ने मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले और दिल्ली के खजुराहो के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के संचालन की घोषणा की है। रूस और यूक्रेन के बीच भीषण युद्ध जारी है। इस युद्ध में ब्रिटेन भी अहम भूमिका निभा रहे हैं। हाल ही में ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन यूक्रेन की यात्रा पर गए थे। वहां पर उन्होंने राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात की। अब वो 21 और 22 अप्रैल को भारत की यात्रा पर आ रहे हैं। इससे पहले उन्होंने इस यात्रा को लेकर कई ट्वीट भी किए थे। साथ ही भारत और ब्रिटेन के रिश्तों की अहमियत भी बताई। उन्होंने कहा कि भारत प्रमुख आर्थिक शक्ति है, हमारे लिए मूल्यवान भागीदार भी है। प्रख्यात ओडिया संगीतकार और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित प्रफुल्ल कार का रविवार रात निधन हो गया है। वो 83 वर्ष के थे। पारिवारिक सूत्रों के अनुसार कार ने भुवनेश्वर के सत्य नगर स्थित अपने आवास पर अंतिम संस्कार लिए। उनके अंतिम संस्कार सोमवार को पूरी स्वर्ग द्वार में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने दो मंत्रियों प्रताप जेना और समीर राणाजन दास को पुरी में अंतिम संस्कार के दौरान मौजूद रहने के लिए कहा था। देशभर के करोड़ों बैंक उपभोक्ताओं के लिए बड़ी और उपयोगी खबर सामने आई है। दरअसल बैंक खुलने के समय में आज से बदलाव किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक निर्देशानुसार 18 अप्रैल से देश के सभी बैंक 10 बजे के बजाय एक घंटा पहले यानी कि सुबह 9 बजे से खुलने लगे हैं। आपको बता दें कि इससे ग्राहकों को बैंक में पहुंचकर अपना काम कराने हेतु पूरे एक घंटे का अतिरिक्त समय मिलेगा। देश के सबसे बड़े बैंक SBI ने 15 अप्रैल से MCLR पर होम लोन, कार लोन और अन्य लोन महंगा कर दिया है। इसकी वजह से ही अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट पर लिए जाने वाले सभी अवधि के लोन पर ब्याज दर में 0.10% का इजाफा कर दिया है। बैंक की वेबसाइट पर जारी किए गए नोटिफिकेशन में कहा गया है कि MCLR में यह बढ़ोतरी 15 अप्रैल से प्रभावी हो चुकी है। तनावपूर्ण संबंधों और सैन्य गतिरोध के बावजूद भारत में चीन से आयात नई बुलंदियों पर है। जनवरी से मार्च तक 3 महीने की अवधि के दौरान भारत को चीन का निर्यात बढ़कर 27.1 अरब डॉलर हो गया है। चीनी सीमा शुल्क द्वारा जारी व्यापार आंकड़ों के अनुसार इस साल की पहली तिमाही में भारत चीन द्विपक्षीय व्यापार 15.3% बढ़कर 31 अरब डॉलर से अधिक हो गया है। GST परिषद की अगले महीने होने वाली बैठक में 5% वालों कर स्लैब को खत्म कर दिया जा सकता है। स्लैब में आने वाले कुछ उत्पादों को 3% और कुछ को 8% के स्लैब में डाला जा सकता है। वहीं आज सप्ताह का पहला कारोबारी दिन है। विश्लेषकों का मानना है कि इस सप्ताह शेयर बाजारों में तिमाही आय और वैश्विक रुझान प्रमुख कारक होंगे। इसके अलावा रूस यूक्रेन युद्ध और चीन में COVID-19 की स्थिति पर नजर रहेगी। चीन में कोविड संक्रमण की ताजा लहर के बड़े पैमाने पर प्रसार के बीच सरकार ने अपने सबसे बड़े शहरों में सख्त लॉकडाउन लगा दिया है। शंघाई के लगभग 25 मिलियन लोग अपने घरों में कैद थे और उन्हें भोजन प्राप्त करने में परेशानी हो रही है। इस कठिन समय के बीच लोगों ने यहां तक कह दिया है कि वो बिना भोजन और जरूरी चीजों के बिना दिन व्यतीत कर रहे थे। राजनीतिक संकट से जूझ रहा पाकिस्तान कर्ज के बोझ तले पूरी तरह से दब चुका है। इस वक्त पर पाकिस्तान कुल सरकारी कर्ज 42,000 अरब रुपए से अधिक पर पहुंच चुका है। इसके साथ ही पाकिस्तान की नई सरकार एक बार फिर से 1 अरब डॉलर का कर्ज लेने के लिए IMF से बातचीत कर रहा है। पाकिस्तान में सत्ता परिवर्तन के साथ एक सौहार्दपूर्ण रवैया देखने में आया है। तालिबान राज में जबरदस्त आर्थिक किल्लत झेल रहे अफगानिस्तान को मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए अटारी बाघा पर आवाजाही 2 महीने के लिए बढ़ा दी गई है। भारत मानवीय मदद के तौर पर अफगानिस्तान को 50,000 मीट्रिक टन गेहूं और जीवन रक्षक दवाएं भेज रहा है। पाकिस्तान के विदेश कार्यालय ने कहा है कि मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए दी गई समयावधि 21 मार्च को खत्म हो गई है। भारत सरकार ने सहायता पहुंचाए जाने की प्रक्रिया पूरी करने के लिए समय सीमा बढ़ाने का अनुरोध भी किया था। भारत की महत्वाकांक्षी बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए अब ज्यादातर इंतजार नहीं करना पड़ेगा। भारत की जलवायु के हिसाब से विदेशी बुलेट ट्रेन के मुकाबले कुछ खास परिवर्तन किए जाएंगे। भारत में चलने वाली पहली बुलेट E5 सीरीज ट्रेन हिताची कावासाकी हेवी इंडस्ट्रीज द्वारा निर्मित जापानी शिंकानसेन हाई स्पीड ट्रेन का ही एक रूप है। इस तरह की ट्रेन में सबसे चौड़ी ट्रेन केवल फ्रांस, जर्मनी जैसे देशों में ही उपलब्ध है। भारत में चलने वाली बुलेट ट्रेन की चौड़ाई 3.35 मीटर रहेगी। बिहार के एक ऐसे डीएम जिसकी ड्रीम कभी देश के लिए मिसाल बनाने की थी भारत के एक ऐसे डीएम जिसकी ड्रीम कभी देश के लिए मिसाल बन जाती है तो कभी राज्य के लिए रोल मॉडल। डीएम के ड्रीम को CM नीतीश कुमार भी प्रोत्साहन देते हैं और अब PM मोदी 21 तारीख को उन्हें अवार्ड से सम्मानित करेंगे। जी हां, हम बात कर रहे हैं डीएम कुंदन कुमार की, जिन्होंने ऐसे ऐसे प्रयोग किए थे जो देश और राज्य के लिए अनुकरणीय बन गया है। उनका हर प्रयोग एक रोल मॉडल बन गया है। कन्नड़ फिल्मों के सुपरस्टार यश के फिल्म KGF चैप्टर 2 ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया है। 14 अप्रैल को रिलीज हुई KGF 2 ने 4 दिनों में ही वर्ल्ड वाइड 300 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है। वहीं विजय की फिल्म बीस्ट का कलेक्शन आए दिन गिरता जा रहा है। KGF 2 से एक दिन पहले रिलीज हुई बीस्ट के ओपनिंग डे के कलेक्शन को छोड़ दें तो इसकी कमाई लगातार गिरती जा रही है।
तीन साल पहले जनवरी 2019 में दिल्ली में ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के सालाना रायसीना डायलॉग में ORF अध्यक्ष समीर सरन ने एक परिचर्चा का संचालन किया, जिसमें मेहमानों में इटली के पूर्व प्रधानमंत्री पाओलो जेंटिलोनी, CIA के पूर्व निदेशक जनरल डेविड पेट्रियस के साथ ही पूर्व सचिव एस जयशंकर भी शामिल हुए थे, जिसमें चार महीने बाद ही केंद्रीय कैबिनेट में शामिल कर लिया गया है। किसी भी कंपनी को उसके कर्मचारी ही दिन रात मेहनत करके बड़ा बनाते हैं, लेकिन अगर वही कर्मचारी अचानक से इस्तीफा देने लग जाए तो कंपनी के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हेल्थवाइज कंपनी ने इस्तीफा देने वालों की बड़ी तादाद को देखते हुए कंपनी ने 4 दिन का वर्क वीक लागू कर दिया है। इसके बाद कंपनी की इस पॉलिसी ने ऐसा कमाल कर दिया जिसकी मैनेजमेंट ने भी उम्मीद नहीं की थी। कंपनी का ये कदम किसी यूज केस की तरह ही काम करता देखा गया है। हाईकोर्ट ने मौलाना जौहर यूनिवर्सिटी के टेक ओवर का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है। यूनिवर्सिटी के टेक ओवर की प्रक्रिया भी शुरू हुई थी, लेकिन फिलहाल उस पर स्टे रहेगा। मौलाना जौहर यूनिवर्सिटी की जमीन उत्तर प्रदेश के रामपुर में है। सपा विधायक आजम खान और उनके परिवार सदस्य इस यूनिवर्सिटी के ट्रस्टी हैं। IPL 2022 में दिल्ली कैपिटल्स को अपना अगला मैच बुधवार को पंजाब किंग्स के खिलाफ खेलना है, जिसके लिए उससे पहले ही टीम को झटका लग गया है। दिल्ली कैपिटल्स का एक और सदस्य कोरोना पॉजिटिव पाया गया। इसके बाद पूरी टीम एक बार फिर से क्वारंटीन हो गई है। टीम के अंदर कोरोना का मामला सामने आने के बाद पुणे के लिए टीम का आज का दौरा कैंसिल कर लिया गया है। अब आज और कल खिलाड़ियों के रूम के अंदर उनका कोविड टेस्ट होगा। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने देशवासियों के लिए खुला पत्र लिखा है, जिसमें उनसे आगे की सोचने और 2047 में भारत के लिए योजना तैयार करने की अपील की गई है। उन्होंने देशवासियों से इसके लिए योजना बनाने की गुजारिश भी की है। जब हम 2047 में स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे करेंगे तो देश कैसा होगा, इस पर जरूर विचार करें। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है गौतम कुमार, मनीषा कुमारी, सौरभ मिश्रा, जितेंद्र ठाकुर, रमाकांत कुमार, चंदन कुमार, नुनू कुमार, सौरभ कुमार, सलीम भाई, राम कुमार, नीतीश कुमार निराला। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार दिल्ली कैपिटल्स में कई खिलाड़ियों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद क्या दिल्ली की टीम को अभी IPL खेलने से पूरी तरीके से रोक देना चाहिए या नहीं? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।